Hello everyone and welcome back to my channel this is professor Asif Qureshi and you are watching Dr Asif lectures hum uh कंटिन्यू कर रहे हैं एबडामिन की प्लेलिस्ट और आज चैप्टर नंबर 27 जिसका नाम है पोस्टीरियर वॉल ये हम स्टार्ट कर रहे हैं अगेन दिस इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग चैप्टर बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर तो वन बाय वन करेंगे आज पर्टिकुलरली जिस टॉपिक को डिस्कस करूंगा दैट इज एबडोम अवॉटा लेकिन ये टॉपिक डिस्कस करने से पहले लेट मी गिव यू एन ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग हम इस चैप्टर में बात क्या कर रहे हैं देखें बॉस जो uh, पूरा एबडोमिनल रीजन है उस एबडामिनल रीजन में ऑब्वियसली uh, एक रीजन have already discussed earlier which was the anterior abdominal wall now we are going to discuss the posterior abdominal wall and this is the view of the abdominal wall from the back so for example if this is a person standing here and that's the neck of the person these are the long hands of the person this is the torso don't laugh at my diagram but this is a good one to give you the concept okay so

या यू कह लीजिए कि वेंट्रल साइड ऑफ दर्टिप्रल कॉलम इज वट वी कॉल दी पोस्टर वॉल ओके सो पोस्ट एबडोम डायग्राम अगर कोई मुझे ऐसी दिखती है uh, वो मैं आपको डायग्राम दिखा दूर तो आसानी से ये बात समझ में आ जाए लेट बी फाइंड दिस वन इज अ गुड डायग्राम फॉर एग्जाम्पल सो हेयर वी हैव कट द पर्सन एंट्री एबडामिनल वॉल ओपन और इंटेस्टाइन हमने हटा दी सारा जी आई टी स्ट्रक्चर हमने हटा दिए यू आर लुकिंग एट द बैक और ये बैक पर आपको क्या चीज़ें नजर आ रही एबडामिनल एटाइन इन दीज मसल ये सारा कुछ जो है दिस इज ऑल द पोस्टेरियर एबडामिनल वॉल ओके तो पोस्टेर एबडामिनल वॉल में बेसिकली क्या क्या सब हेड्स हैं और क्या क्या चीज़ें हमको स्टडी करनी है जो स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं वो हैं एब्डोमिनल एटा

हम डिस्कस करने लगे हैं दैट इज एब्डोमिनल एयोटा ओके सो दिस इज टू सेट द कॉन्टेक्स्ट अब जो एबडोमिनल एटा है आपको पता है लार्जेस्ट 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 ब्लड वेसल विच कम्स आउट फ्रॉम द हार्ट सो इफ दिस इज द हार्ट लेफ्ट वेंट्रिकल से वॉट Will be getting out is the aorta, then the arch of aorta, and after the arch of aorta is the descending aorta and the abdominal aorta. Abdominal aorta enters the abdomen and continues down unless it is divided into its two terminal branches. So, abdominal aorta is the portion of aorta which actually is present in abdomen. स okay. क्या है और टर्मिनेट कैसे होता है तो उसमें आपको मैंने डिफरेंट ओपनिंग पढ़ाई थी ऑफ द ओपनिंग वॉज दिंग विच वॉज प्रेजेंट एट दास टू ओकेर इज एन एटिक ओपनिंग इन द डायफ्राम उस एटिक ओपनिंग में से डायफ्राम Karta hua, isko karta hua, this comes out okay? the aorta comes down and this is what we call the abdominal aorta now it runs downward and slightly to the left in front of the lumbar vertebrae and ends in front of the lower part of the L4 so basically its beginning point kya hai, T12 and its ending point is lumbar vertebrae 4 this is the length of the abdominal aorta about 1.25 cm to the left of the median plane by dividing into right common iliac and left common iliac ye iski terminal branches hain so the right common iliac and left common iliac so if you look at this diagram this is where it begins at the level of t12 this is where it ends at the level of l4 aur ye jahan pe end hota hai it divides into right and left right iliac common iliac and left common iliac okay so this bit is the एबडोमल एरोटा जो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है सो so, पहला सवाल एबडोमिनल एरोटा शुरू कहाँ पे होता है एट द लेवल ऑफ टी ट्वेल्व एबडोमल एरोटा खत्म कहाँ होता है एट द लेवल ऑफ लंबार वर्टिप्री फोर एबडोम एरोटा की फाइनल दो टर्मिनल ब्रांचेस कौन सी हैं राइट कॉमन आई एंड लेफ्ट कॉमन आई ओके सो ये सब इंपॉर्टेंट बातें हो गई दिस इज ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओके अच्छा अब जो वर्टिप्रिल कॉलम है आपको बताया देर इज लंबार कॉन्वैक्सिटी रीजन में वटी भी थोड़ा सा आगे निकली होती है इसीलिए एयोटा भी थोड़ा सा आगे निकली होती है सो मच सो कि यू कैन फील द एड पल्सेशन इन द अम्बलाइकल रीजन अगर आप लेट जाएं या किसी बंदे का एग्जामिनेशन करें उसको लिटा दें और जस्ट ऑब्जर्व द अम्बलाइकल रीजन यू विल एक्चुअली सी द पल्शन और अगर आप वहां पर उसको पल्पेट करेंगे तो यू कैन एक्चुअली पल्पेट द पल्सेशन ओके सो वेरी इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ अबाउट एबडामिनल एयोटा बिगनिंग पॉइंट इंपॉर्टेंट है एंडिंग पॉइंट इंपॉर्टेंट है टर्मिनल ब्रांचेस पता होनी चाहिए ओके Now uh, some relations from above downwards, the aorta is related to celiac, uh, yeah, celiac and aortic plexus, body of pancreas, with splenic vein embedded in the posterior surface and third part of the okay so let me show you some diagrams. so, for example, uh abco diagram, bahut important here. you see, this, suppose, was here the diaphragm, or your diaphragm at the level of the t12. there is an opening, jahanse ye, opening, ko cross k, abdominal. Uh, जो एयटा है इट इज कमिंग डाउन वर्टिकली अच्छा इसके बिल्कुल पीछे क्या है इसके पीछे चार लंबा वर्टिब्री हैं, एल वन एल टू एल थ्री एंड फोर अब इसको मैं यू कह सकता हूं कि द लंबार वर्टिब्री आर प्रेजेंट जस्ट पोस्टीरियर टू दबडामिनल एटा या इसको मैं ये कह सकता हूँ कि द लम्बार वर्टिब्री के वेंट्रल सर्फेस पर एबडामिनल एटा है fine, कि आप क्या सेट कर रहे हैं. अगर रेफरेंस आप सेट कर रहे हैं लंबार वर्टिब्री को तो इनसे एंटीरियरली है एटा और अगर रेफरेंस सेट कर रहे हैं एटा को तो एओटा से पोस्टीरियरली है लंबार वर्टिब्रीज ठीक ओके ये बात समझ में आ गई अच्छा फिर यह जरा डायग्राम देखें यह एबडामिनल एटा है यह पोस्टीरियर साइड है एबडामिनल एटा का यू लुकिंग एट द साइड फॉर एंड दिस

21.2 है फिगर नंबर 27, uh, तो, 27 तो एक्चुअली यहाँ पे अगर फिगर 27 होती तो ये यहाँ नीचे दिख जाती सो व्हाट आई हैव टू डू इज गो बैक टू चैप्टर नंबर आउट दिस पर्टिकुलर फिगर एंड सी व्हाट दे आर अबाउट सो फिगर ट्वेंटी अब थर्ड पार्ट ऑफ दर एन नम सो यू हैव टू गो बैक एंड फ्रंथ एंड इफ यू लुक नाउ एट दिस डाइग्राम This is the third part of the aorta which is present anteriorly to abdominal aorta. ya dusra ye keh le कि third part of the ke posteriorly abdominal aorta hai so that sort of thing, okay? Uh, so you have to read this, continue reading this and looking at the backside, uh, उस बुक को आगे पीछे करके देखें कि उस diagram में actually क्या दिखाया हुआ है। But I strongly recommend कि diagrams जरूर देखिए, ठीक है? So one more time. एओटा के एंटीरियर रिलेशन आपको यहाँ भी नजर आ जाएंगे कि एंटीरियरली देयर इज बॉडी ऑफ पैंक्रियाज स्प्लेनिक वेन थर्ड पार्ट ऑफ द अब बात करते हैं ज़रा पोस्टीरियर रिलेशन ऑफ एओटा क्या है एओटा इज रिलेटेड पोस्टीरियरली ऑब्वियसली द अपर फोर लंबार रोवर्टिब्री है मैंने आपको डायग्राम ऑलरेडी दिखाई मेरा ख्याल है यहाँ पर येस yes. सो so, Aorta के बिल्कुल पोस्ट्रियर साइड पर क्या मौजूद है एल वन एल टू एल थ्री एंड एल फोर सो चारों लंबार जो है, वो के बैक साइड पर में है. So, ये बाद समझ में आती है तो uh, so, जो भी चीज लंबार वर्टिब्री को कवर करेगी वो एबडोम के पोस्ट्रियर रिलेशन में आ जाएगी इट सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड नाउ टू द राइट साइड ऑफ द एयोटा इज ऑब्वियसली बात तो हमने कई दफा की है, इस डायग्राम में दिख रही है देखो दिस इज द राइट साइड इमीजिएट राइट रिलेशन में क्या चीज मौजूद है तो चीज समझ में आएगी लेफ्ट साइड पर क्या होता है एयटा के लेफ्ट साइड पर डायफ्राम ऑफ दू लुकट दिस डाय में दोबारा जंप करके आया हूं किसी और चैप्टर पर ताकि आपको मैं दिखा सकूंगा

वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट्स ए स्टार टॉपिक स्टार टॉपिक मीन्स के इसमें से एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि वॉट आर द ब्रांचेज ऑफ एबडामनल एयोटा अच्छा देखो एबडामल एरोटा की ब्रांचेज ना तीन कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं एक वो ब्रांचेज हैं जिनको हम कहते हैं वेंट्रल ब्रांचेज फ्रंट ऑफ दें तो इसके बिल्कुल से, से जो ब्रांचेज निकल रही है जिसमें एक ये ब्रांच है एक ये ब्रांच है और एक ये दो तो तीन ब्रांचेज है द टॉप मोस्ट इज नोन एज दिल ट्रॉन दन इज कॉल्ड सुपेरियर आर्ट्री एंड लोअर वन इज कॉल्ड तीनों वन टू एंड थ्री ऑल दीज थ्री आर अराइजिंग फ्राम द मिड लाइन फ्राम द फ्रंट और ये तीनों हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जिन्होंने मेरी प्ले लिस्ट एबडामिन की पूरी देखी हुई है उनको पता है कि वट आई एम टॉकिंग अबाउट सिलेक्ट ट्रंक पर भी वीडियो है सुपिर मिजेंट्रिक आर्टरी पर भी वीडियो है इनफीरियर मिजेंट्रिक आर्ट्री भी हम डिस्कस कर चुके हैं ओके सो गो बैक एंड सर्च एंड ब्राउज माई प्ले लिस्ट एबडामिन की और आपको ये तीनों वीडियोज़ मिल जाएंगी तो ये तीनों निकल रही हैं फ्राम द मिड लाइन फ्राम द वेंट्रल साइड ऑफ द

कपल्स uh, में होती है राइट और लेफ्ट साइड की ठीक है डायग्राम पे देखो सो so, सामने से जो कुछ निकल रहा है दैट इज द वेंट्रल ब्रांच अब साइड से जो कुछ निकलेगा दैट विल बी द लेटरल ब्रांच सो पहली जो लेटरल ब्रांच जो सीलेक्ट ट्रंक के ऊपर से निकलती है दैट इज द लेफ्ट इन्फीरियर फ्रेनिक एंड ऑब्वियसली राइट साइड पे राइट इन्फीरियर फ्रेनिक उसके बिल्कुल साथ निकलती है अगली ये ब्रांच विच इज कॉल्ड सुपरा रीनल सुपीरियर सुपरा रीनल ये लेफ्ट साइड की होगी राइट साइड की होगी सो ब्रांचेस के नाम बता रहे हैं कि हम कहा हैं ये फ्रेनिक डायफ्राम को सप्लाई करेगा सुपरा रीनल सुप्रा रीनल लैंड को सप्लाई करेगा एंड देन रीनल आर्ट्रीज रीनल आर्ट्रीज बिलोंग obviously supply kidneys gonadal arteries will supply the gonads ईजी बीजी स्टाफ इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है रीनल आर्टरी विल गो टवर्स तो द किडनी हाँ इसमें क्या मुश्किल है यार पता है मुझे नाम से पता है गुनेरल आर्टरीज राइट साइड पर देखेंगे निकल रही है गुनेरल आर्टरी ये अगर मेल है तो टेस्टिस में चली जाएगी राइट टेस्टिकुलर ये लेफ्ट टेस्टिकुलर अगर ये फीमेल है तो ये राइट ओवेरियन और ये लेफ्ट ओवेरियन है ना तो आपको मोटी मोटी बात पता होनी चाहिए कि वेंट्रल ब्रांचेज तीन हैं उनके नाम ये हैं लेटरल ब्रांचेज आठ हैं उनके नाम ये हैं राइट और लेफ्ट साइड के ओके अब एक और सेट है विच इज सेट सी सेट ए मैंने आपको बताया था विच वॉज वेंट्रल ब्रांचेज सेट बी मैंने आपको बताया था लिटरल ब्रांचेज और सेट सी है दिस इज कॉल्ड डॉर्जल ब्रांचेज अब जो डॉर्जल ब्रांचेज हैं दे रिप्रेजेंट इंटर ये अगेन अगेनॉजिकली इनका ओरिजिन इनकी ब्रांचेज के नाम हैं लंबार आर्ट्रीज एंड मीडियन सेक्रल मीडियन सेक्रल इज वन इन नंबर लंबार आरटरीज आर फोर पेयर्स टोटल एट इन नंबर ओके तो ये आपको नंबर एग्जैक्टली क्लियर होने चाहिए मीडियन सेक्रल जो है वो बिल्कुल जहाँ एयरटा खत्म होता है राइट और लेफ्ट कॉमन आईलिख में डिवाइड होता है

Uh, मैं यूजुअली स्टूडेंट्स को रेकमेंड करता हूं कि इन चक्रों में परेशानियों में ना पढ़ो कि इसने इसको क्रॉस किया फिर वो उसके नीचे चला गया फिर राइट साइड से वहां से निकला इट एड्स टू अ लॉर ऑफ़ कन्फ्यूजन फॉर एग्जाम्प पर्पजेज चाहे वो आपका अंडर ग्रेजुएट एग्जाम है या एमर कर रहे हो या यू कर रहे हो फॉर एग्जाम्पर्पजेज यू नीड टू नो द ब्रांचेज एंड समाइम्स सम इंपॉर्टेंट रिलेशन टू लेकिन हर माइनर डिटेल पर अपनी ब्रेन की हार्ड डिस्क यूज मत करो ओके नाउ द इन्फीरियर फ्रेनिक आटरीज पहले तो ये रिकॉल करो कि इन्फीरियर फ्रेनिक आर्टरी किसकी कहाँ से निकल रही थी कौन c branch the so the inferior phrenic was a branch of the lateral side of uh, dorsal aorta um.

corresponding cross of the diaphragm. Oh my God, this is too much detail. I would not worry about it. Now the renal arteries, obviously renal हैं तो किसको supply करेंगी? Kidney को supply करेंगी. They are large arteries. ये छोटी arteries नहीं हैं. Because यार अब ये make sense करती है बात. क्योंकि kidney आपका major blood filtration unit है. तो वहाँ ज़्यादा blood जाना है. इसलिए these are very large arteries. यानी अगर आप diagram देखो और इस renal artery के size वाइस को compare करो, तो यार ये abdominal aorta ऑटा के size से देखो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है. Compare करो इन कोई arteries के साथ. ये छोटी चुन्नी मुन्नी सी गुनेड रेक्टल आर्टरी ये छोटी चुन्नी मुन्नी सी इन्फीरियर फ्रेनिक आर्टरी सुपरा रीनल तो ये छोटी छोटी आर्टरियाँ हैं लेकिन रीनल इज़ अ बिग वन बिकॉज किडनी में काफ़ी सारा ब्लड भेजना है ताकि वो फिल्टर हो सके ठीक है तो इट अल्टीमेटली इज गोज टू किडनी द राइट रीनल आर्टरी पास लिटरली बिहाइंड द इन्फीरियर वेन कैबा टू रीच द किडनी एंड लेफ्ट रीनल आर्टरी बिहाइंड द लेफ्ट रीनल वेन इफ यू वॉन्ट रिमेंबर गो हैड गुड लक गुनैरल आर्टरीज टेस्टिकुलर होंगी ओवेरियन डिपेंडिंग अपॉन इफ इट्स इफ इट्स अ मेल बॉडी ऑब्वियसली और इफ इट्स अ फीमेल बॉडी Gonadal arteries are small and arise from the front of the aorta a little below the origin of the renal arteries. Actually, lateral side a little below the renal arteries. So, that's the renal artery here. Gonadal artery is so And then they continue. The testicular artery joins the spermatic cord. It goes in the spermatic cord, important point, at the deep inguinal ring and towards the inguinal canal. Within the cord, it lies anterior to the ductus difference at the uh, surgically important point. Hai hai. At the upper pole of the testis, Breaks up into branches which supply testes as well as epididymis. So, testicular artery obviously supplies testes. No fun in telling you this because this is simple and straightforward. Ovarian artery will supply ovary. Wow, <laughs> now lumbar arteries. Four pairs of lumbar arteries arise from the aorta opposite to the bodies of the four lumbar vertebrae. Now, where was the diagram? Uh, so. Char lumbar vertebrae which upper ke aorta guzar rahe, char side pe, right side pe be, left side pe be, it gives off branches to, which are called lumbar arteries. The upper four lumbar arteries run across the side of the bodies of the upper four lumbar vertebrae, passing deep to the crura of the diaphragm, deep to the swass major and quadratus lumborum to end in small branches. So each artery gives off a dorsal branch which arises at the root of the transverse process. The dorsal branch gives off a spinal branch to the vertebral canal and then runs backwards. To supply the muscles the skin and the back. So that is the territorial supply of lumbar arteries. Okay, so that's the must remember. Baki boys can each and too much details. I don't recommend. Okay. Now median sacral, median sacral aapko bataya the tail of abdominal aorta tail of abdominal aorta you see that is where the abdominal aorta is dividing into right and left common iliacs and it continues as a small little branch called the median sacral now the median sacral uh, represents the continuation of the primitive dorsal aorta chota mun nasa dorsal aorta It arises from the back of the aorta just above the bifurcation of the later and runs downward to the end